गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे चैप्टर 7 पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का पार्ट ए पढ़ रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं आप, अथवा कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप, ठीक है ना, यानी पांचवें समूह के तत्व, जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पार्ट पढ़ लिया और आज आप थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि आज आप पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HNO3। क्या होता है भैया? HNO3 होता है, अणुभार 63 होता है और संरचना सूत्र ये होता है H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O और कर से ऊपर को तीर लगाए, ये उपसे संयोजी बंद होता है, जिसका मतलब होता है कि इस ओ ने दो नाइट्रोजन परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन लिए, इसके साथ साझेदारी नहीं की है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है संरचना सूत्र। और अब चलते हैं बनाने की विधियां। तो पहली विधि आपकी आती है प्रयोगशाला विधि। क्या करेंगे कि प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 समझते हैं, प्रयोगशाला में KNO3 और सांद H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट और साल H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपका सूत्र होगा KNO3 प्लस H2SO4, एरोमार्क बनेगा HNO3 प्लस KHSO4, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? KHSO4, ये आपका नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, समझ आया। अब आप दूसरी विधि देखेंगे कि नंबर 2 पर आपकी हेडिंग आती है ओस्टवाल्ड विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ओस्टवाल्ड विधि। इसमें पहली हेडिंग पड़ती है सिद्धांत। ओस्टवाल्ड विधि में पहली हेडिंग पड़ेगी सिद्धांत। तो चलिए, हम बता रहे थे कि विधि नंबर 2 ओस्टवाल्ड विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना, फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका सिद्धांत है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया को वायु के साथ ऑक्सीकृत करने पर NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाती है। यह NO2 जल में घुलकर HNO3 बनाती है। देखिए, आपने कहा 4NH3 प्लस 5 प्लेटिनम उत्प्रेरक है यहां पर और टेम्परेचर रखा गया है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। प्लेटिनम उत्प्रेरक टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां इतने टेम्परेचर पर NH3 ऑक्सीकृत होकर के NO बनाती है। तो आपने लिखा कि प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया को वायु के साथ ऑक्सीकृत करने पर NO प्राप्त होती है, ठीक है ना। प्लस आपका बच जाएगा 6H2, ठीक है ना। फिर हमने लिखा जो पुनः ऑक्सीकृत होकर, है ना, जैसा कि सेंटेंस में कह रहा है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के, यानी कि NO प्लस O2, तो ये बना देगा NO2। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगेंगे और यहां पर 2 कर देंगे, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाती है। ये हमें NO2 मिल गई, ठीक है ना। क्या मिल गई? NO2
रहा जल में घुलकर H2O के साथ घुलकर के HNO3 बनाती है। क्या बनाती है? HNO3 बनाती है। बैलेंस नहीं है समीकरण, प्लस HNO2 बना दी। ठीक है, बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के दो, तो यहां पर दो कर देंगे, दो और दो। ठीक है, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, और ये हमारा है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल जो है बहुत थोड़े समय के लिए बनता है, यानी क्षणिक के रूप में बनता है, बहुत थोड़े समय के लिए बनता है। HNO2 पुनः जो है अपघटित होकर के, यानी 3HNO2 पुनः अपघटित हो जाएगा और नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये बना देगा HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O। यानी जो नाइट्रस अम्ल बना था वो नाइट्रस अम्ल पुनः अपघटित होकर नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात सुनने, इस तरह से ये आपका सिद्धांत हो गया। एक बार देख ले फिर से, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थित में 800 डिग्री सेंटीग्रेड में पर अमोनिया को वायु के साथ ऑक्सीकृत करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। NO2 जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है और नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल पुनः अपघटित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। आया समझ में? देखिए, अभी आपने पढ़ा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की सिद्धांत पढ़ा था, अब उसके आगे शुरू करते हैं क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में क्या लिखेंगे कि वायु और अमोनिया, वायु और अमोनिया, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में लेकर, 1:9 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां का ताप लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर लगभग 95% अमोनिया का ऑक्सीकरण NO में हो जाता है। प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर NO का ऑक्सीकरण पुनः होता है और NO2 प्राप्त होता है। प्राप्त NO2 को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां
ऊपर से जल टपकता रहता है। NO2 जल में अवशोषित होकर HNO3 बनाता है, ठीक है ना। ये रही हमारी क्रियाविधि। तो देखिए, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखेगा वैसा ही वर्णन करना है, ज्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं एयर और NH3, है ना। यहां पर लिख सकते हैं नाइन रेशियो वन, ठीक है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है ना। तो लिख सकते हैं कि अमोनिया और वायु के मिश्रण को, अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में लेकर, अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। हाँ, उत्प्रेरक कक्ष, ये हमारा उत्प्रेरक कक्ष है, यहां पर प्रवाहित करते हैं। यहाँ का ताप लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसा कि वर्णन में है। अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ का ताप लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर लगभग 95% अमोनिया, यानी इस कक्ष में लगभग 95% अमोनिया का ऑक्सीकरण NO में हो जाता है, ठीक है ना। यानी 95% अमोनिया का ऑक्सीकरण NO में हो जाता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड यहां से प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO प्राप्त हो जाती है। प्राप्त NO को, जो NO यहां से प्राप्त हुई है, प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां NO का ऑक्सीकरण NO2 में हो जाता है, जहां NO का ऑक्सीकरण पुनः होता है और NO2 प्राप्त होती है। प्राप्त NO2 को, प्राप्त NO2 को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। कहां पर भेजेंगे? अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां ऊपर से जल टपकता रहता है, जहां ऊपर से जल टपकता रहता है, ठीक है ना। नीचे से क्या जा रही है? NO2। नीचे से क्या जा रही है? NO2, और ऊपर से आ रहा जल NO2, ठीक है ना। क्या कह रहा है? NO2 जल में अवशोषित होकर HNO3 बनाती है। NO2 यहां पर जल में अवशोषित होकर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। आगे आगे समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, कमेंट कर दिया करें। भैया एक बार फिर से देख लें, अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां का ताप लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर लगभग 95% अमोनिया का ऑक्सीकरण NO में हो जाता है। प्राप्त NO को ऑक्सीकारक कक्ष में भी प्रवाहित करते हैं, जहां पर NO का पुनः ऑक्सीकरण होता है और NO2 प्राप्त होती है। NO2, प्राप्त NO2 को अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जहां ऊपर से जल टपकता रहता है। NO2 जल में अवशोषित होकर HNO3 का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये हो गया। और अब आगे चलेंगे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में। भौतिक गुण नंबर एक, ये रंगहीन तीव्र गंध वाला द्रव है। कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता और तीव्र गंध, बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, सूंघने पर बिल्कुल चक्कर सा आ जाएगा। नंबर दो, जल में विलेय होता है, यानी जल में घुल जाता है पूर्ण रूप से। और नंबर तीन है, त्वचा पर फफोले डालता है, यानी अगर आपके हाथ पैर में कहीं पर भी पड़ गया शरीर में, तो उसको जला देगा और छाले पड़ जाएंगे, उसको कहते हैं फफोले पड़ना। अब चलते हैं रासायनिक गुण, ठीक है ना। रासायनिक गुण में है, नंबर एक है गर्म करने पर, गर्म करने पर, अगर हम इसको गर्म करते हैं, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो HNO3 जो है, HNO3 गर्म करने पर अपघटित होकर के N2O5 यानी कि नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाता है, प्लस बैलेंस करेंगे यहां पर दो हाइड्रोजन और H2O बच जाएगा। ये हो गई नाइट्रोजन पेंटा
ऑक्साइड यानी अचानकली गर्म करने पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाता है। नंबर दो है क्षार से क्रिया, क्योंकि नंबर दो पर है क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया। देखिए ये खुद एक अम्ल है, क्या है खुद एक अम्ल है, अगर हम इसकी क्षार से क्रिया कराते हैं जैसे कि NaOH से करा दिया तो ये बन जाएगा KNO3 प्लस H2 यानी लवण प्लस जल देगा। अगर हम इसकी क्रिया मान लो कि KOH से करा दे दूसरे क्षार से, सॉरी यहां पर Na होगा NaNO3, अब आएगा KNO3 प्लस H2 तो लवण प्लस जल बनाएगा, ठीक है ना। जब ये क्षार से क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। नंबर तीन पर आता है कार्बन, नंबर थर्ड पर है कार्बन से क्रिया। अगर हम इसकी क्रिया कार्बन से करवाते हैं तो क्या देता है CO2 बनाता है, 4HNO3 प्लस C, एरो मार्क बनेगा CO2, क्या बनेगा CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O, ये आपका यानी कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। नंबर अगला है नंबर चार सल्फर से क्रिया, सल्फर से अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो 6HNO3 प्लस S एरो मार्क बना देगा H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस 6NO2, ठीक है ना, यानी बैलेंस करेंगे तो ये आप सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। आगे चलते हैं अगले गुण में, नंबर पांच है आयोडीन से क्रिया, किससे आयोडीन से, तो आयोडीन से क्या क्रिया करता है 10HNO3 प्लस I2 बनेगा 10NO2 प्लस 2HIO3 आयोडिक अम्ल बनाता है, क्या बनाता है आयोडिक अम्ल, ठीक है भैया, प्लस आपका बच जाएगा 4H2 ये अगर क्रिया करेगा। अगला है फास्फोरस से क्रिया, नंबर छह पर है पी यानी फास्फोरस से क्रिया। अगर फास्फोरस से क्रिया करता है तो क्या बनाता है फास्फोरिक अम्ल, 5HNO3 प्लस पी एरो मार्क बना देगा H3PO4 ये आर्थो फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा प्लस 5NO2 प्लस H2 ये बनता है आर्थोफास्फोरिक। नंबर सात है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, ठीक है, तो 2HNO3 प्लस H2S एरो मार्क 2NO2 प्लस 2NO2 प्लस S प्लस 2H2 प्लस S और प्लस 2H2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर दे। नंबर आठ है KI से क्रिया, अगर हम इसकी KI से क्रिया कराते हैं तो 8HNO3 प्लस 6KI एरो मार्क 6KNO3 प्लस 3I2 प्लस 2NO प्लस 4H2 पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है।
देखिए अम्लराज, नौ नंबर पर अम्लराज बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, एक नंबर का क्वेश्चन अलग से बनता है अम्लराज पर। क्या होता है अम्लराज, वैसे नाम है अम्लों का राजा, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, अगर लोहे या किसी धात पर पड़ जाए तो उसको भी गला देता है, हमारी बॉडी पर पड़ेगा तो जाने कितना क्या करेगा। अम्लराज एक आयतन सान एचएनओ3 तथा तीन आयतन सान एचसीएल से बने मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। एक आयतन सान एचएनओ3 और तीन आयतन सान एचसीएल, यानी कि एचएनओ3 का एक आयतन और एचसीएल का तीन आयतन के बने मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, के बने मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, यानी कि NOCl बनेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है ये, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है ना। और आगे ली बनेगी क्लोरीन प्लस H2O, वो भी 2H2O, ठीक है ना। तो कह रहा कि अम्लराज कहते हैं इस पूरे मिश्रण को, क्या कहेंगे, अम्लराज। इसमें मुक्त क्लोरीन, ये क्लोरीन मुक्त होती है, मुक्त क्लोरीन के कारण प्रबल आक्सीकारक व विलायक के गुण आ जाते हैं, जिससे इसमें बहुत कम सक्रिय धातु जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड बहुत ही कम सक्रिय होती है, सक्रिय धातुएं भी घुल जाती है। आई बात समझ में। इस तरह से ये आपके रासायनिक गुण खत्म होते हैं और अब आपकी रेडिंग आती है उपयोग नंबर वन, यानी इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। सो देखिएगा नंबर वन, प्रबल आक्सीकारक के रूप में, प्रबल आक्सीकारक के रूप में। नंबर दो, अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में। नंबर तीन है आपका उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक नहीं रासायनिक खादें होती जैसे कि डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, उर्वरक के निर्माण में। नंबर चार है विस्फोटक के निर्माण में, बम वगैरह बनाने में होता है, विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर पांच है रंग, इत्र आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर छह है अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंच सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छे कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।